यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, भाग्य चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। आज क्या है 12 राशियों के हाल, ये जान लेते हैं। बात करते हैं मेष राशि की। आज आपको शासन द्वारा सम्मानित किए जाने की संभावना है। यदि आप किसी व्यक्ति, बैंक या संस्था से ऋण लेना चाहें तो कदापि ना लें। आज पत्नी पक्ष से उत्तम सहयोग प्राप्त हो सकता है। रात्रि का समय आमोद प्रमोद में बीतेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। आज के दिन आप व्यस्त रहेंगे, ज्यादा भागदौड़ में सावधानी बरतें। आपकी निर्णय लेने की क्षमताओं का आपको आज लाभ मिल सकता है। रुके हुए कार्यों की पूर्ति होगी। किसी काम में विनियोग करना पड़े तो दिल खोल कर करें, आगे चलकर उसका भरपूर लाभ मिलने वाला है। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आज आप फिजूल के खर्चे से बचें। सामाजिक क्रियाकलापों में सावधान आ सकता है, व्यवधान आ सकता है। कुछ अकस्मात लाभ होने से आपकी धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि सुदृढ़ होगी। संतान पक्ष से हर्षवर्धक समाचार मिलेंगे। कर्क राशि की बात करते हैं। भाग्य की दृष्टि से आज का दिन उत्तम रहने वाला है। आपके परिश्रम का फल अच्छा मिलेगा। आप अपनी शान और शौकत के लिए धन खर्चा करेंगे जिससे आपके शत्रु परेशान होंगे। माता पिता का आज विशेष ध्यान रखें। आज का दिन मिश्रित फलकारक है। ससुराल पक्ष से आज नाराजगी के संकेत मिल रहे हैं। मधुर वाणी का प्रयोग करें, अन्यथा संबंधों में कटुता आ जाएगी। यदि नेत्रों से संबंधित कोई कष्ट है तो उसमें सुधार होना निश्चित है। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। आज आप में निर्भीकता का भाव रहेगा। साहस पूर्वक अपने कठिन कार्यों को संपन्न करने में सक्षम आप रहने वाले हैं। आपको अपने माता पिता का सुख सहयोग यथेष्ट रूप से प्राप्त होगा। व्यर्थ व्यय का योग भी है और व्यापार में धन लाभ होगा। तो क्या हाल है तुला राशि का, ये भी जान लेते हैं। आज का दिन आपके लिए शुभ फलकारक है। आपके अधिकार व संपत्ति में वृद्धि होगी। आप दूसरों के भले की सोचेंगे एवं दिल से सेवा भी करेंगे। आज नए कार्यों में इन्वेस्ट करना पड़े तो शुभ रहने वाला है। और क्या हाल है वृश्चिक राशि का, ये भी जान लेते हैं। आज आपका मन अशांत एवं परेशान रहेगा। व्यापार वृद्धि के लिए किए गए प्रयास निष्फल हो सकते हैं। यदि कोई वाद विवाद राज्य में लंबित है तो उसमें सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। और अब बात करते हैं धनु राशि की। आज आपकी विद्या, बुद्धि, ज्ञान की वृद्धि होने वाली है। भाग्य की ओर से भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। सायंकाल से लेकर रात्रि पर्यंत पेट के विकार होने की संभावना है। सावधान रहे और खान पान पर संयम बरतें। तो क्या हाल है मकर राशि का, ये भी आपको बता देते हैं। आज आपको बहुमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति के साथ साथ ऐसे अनावश्यक खर्चे भी सामने आएंगे और अपने व्यवसाय में भी आपका मन लगने वाला है और रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। किसी नए कार्य में इन्वेस्ट करना पड़े तो अवश्य करें, भविष्य में लाभ होगा। कुंभ राशि का हाल आज आपको बता देते हैं। आज का दिन बुद्धि विवेक से नई नई खोज करने में व्यतीत होगा। आप स्मृति एवं आवश्यकता अनुसार ही व्यय करें। सांसारिक सुख भोग, नौकर चाकरों का सुख पूर्ण रूप से मिलेगा। और आखिर में मीन राशि की आज क्या दशा रहने वाली है, ये भी आपको बता देते हैं। आज अष्टम भाव में शत्रु राशि का बृहस्पति होने के कारण बहुत समय से लटके विवाद का हल निकल कर आएगा। खुश मिजाज व्यक्तित्व होने के कारण अन्य व्यक्ति आपसे संबंध बनाने की चेष्टा करेंगे। सामाजिक सम्मान मिलने से आपका मनोबल बढ़ा रहेगा। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे त्रिलोकपुर के मां बाला सुंदरी की आरती।